to you by Independence. कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। भारत अपनी रणनीति कैसे तैयार करता है और भारत अपनी रणनीति को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के कदम उठाता है, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शेख हसीना के लिए भारत अमेरिका से भिड़ने तक को राजी हो गया था। खबर है द वॉशिंगटन पोस्ट की। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बातचीत का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शेख हसीना के लिए किस तरह भारत अमेरिका से भिड़ बैठा था। खबर है कि जनवरी जब 2024 में आम चुनाव से पहले अपने जब हजारों प्रतिद्वंदियों और आलोचकों को शेख हसीना जेल में डालने लगी तो अमेरिकी राजनयिकों द्वारा सार्वजनिक रूप से उनका आलोचना होने लगा। अमेरिकी प्रशासन ने बांग्लादेशी पुलिस इकाई पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस पर आवामी लीग के नेता के नेतृत्व में अपहरण और हत्या का आरोप लगा। साथ ही लोकतंत्र को कमजोर करने या मानवाधिकार के उल्लंघन करने वाले बांग्लादेशियों पर वीजा प्रतिबंधित करने की धमकी तक दी गई। उसके बाद खबर है कि उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका के बांग्लादेश के संबंध में बयानबाजी में नरमी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि विपक्ष खुले चुनाव के माध्यम से सत्ता हासिल कर लेता है तो इससे बांग्लादेश इस्लामी समूहों का केंद्र बन सकता है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। नाम न बताने की शर्त पर वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए एक भारतीय अधिकारी ने कहा है कि आप इसे लोकतंत्र के स्तर पर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए मुद्दे बहुत अधिक गंभीर और अस्तित्वगत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकियों के साथ बहुत सी बातचीत हुई जिसमें हमने कहा कि यह हमारे लिए एक मुख्य चिंता का विषय है और जब तक हमारे पास किसी प्रकार की रणनीतिक सहमति नहीं होगी तब तक आप हमें रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं ले सकते। इसके कारण बाइडेन प्रशासन ने हसीना के शासन के खिलाफ आगे प्रतिबंधों की जो धमकियां थी उसे टाल दी, जिससे कई बांग्लादेशी निराश भी हुए। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह एक सुनियोजित कदम था जिसका संबंध भारतीय लॉबिंग से था। क्या बांग्लादेश की स्थिति को गलत तरीके से संभाला गया? सेना द्वारा लगाए गए कर्फ्यू आदेशों की अवहेलना करने वाले प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर मार्च करने के बाद उन्हें भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश में हमेशा संतुलन बनाने की जरूरत होती है क्योंकि कई जगहों पर जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद जटिल है और आप अपने साझेदारों के साथ इस तरह से काम करना चाहते हैं जो अमेरिकी लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। जनवरी में चुनाव के पहले बांग्लादेश को कैसे संभाला जाए, इस पर बाइडेन प्रशासन में मतभेद सामने आए थे। मामले से परिचित लोगों ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है कि तात्कालिक राजदूत पीटर हॉस और अन्य ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आह्वान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ही कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के विरोध के बाद के परिणामों पर भी विचार किया, जिसमें बाइडेन प्रशासन से शेख हसीना पर दबाव कम करने का आग्रह किया गया था। कुल मिलाकर भारत अपनी चिंताओं से वाकिफ था और यही वजह है कि वो शेख हसीना को लेकर कितना अलर्ट था कि वो अमेरिका से भी इस मामले पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें चर्चाएं कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।